YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दाल बनाने का आसान तरीका। ये इतनी सी हमारे पास अरहर की दाल है, ये लाल मसूर की दाल है। अभी इनको हम दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। अभी हमने इसको अच्छे से पहले धो लिया है और अभी हमने 2 गिलास कुकर में पानी डाल लिया है। अभी हम इसमें 3 सीटी लगा देंगे, इसको इसमें डाल देंगे। अभी हमने इसमें 3 सीटी लगा लिया है दाल में। अभी हमने एक कढ़ाई गैस पर रख लिया है। अभी हम इसमें 2 कुप्पी तेल डाल देंगे, गरम हो जाएगा तब तक हमारा तेल। अभी हम मसाला तैयार करते हैं। अभी हमने हरी मिर्च ले ली है 8-10, 2 प्याज ले ली हैं, 2 टमाटर ले ली हैं। प्याज को बारीक कटिंग कर लेते हैं। अभी ये हरी मिर्च और टमाटर इसमें मिक्सर के औजार में डाल कर हम बारीक पीस लेते हैं और एक लहसुन भी डाल देंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेते हैं। अभी हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अभी हमारा तेल गर्म हो गया। अभी हम इसमें 8 से 7 कड़ी पत्ते डाल देंगे। इसके बाद हम 7 के 7 प्याज डाल देंगे। अभी इसको ब्राउन होने तक पकने देंगे। अभी इस मसाले में हमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, हल्का पीसा हुआ लौंग, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया। अभी हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी ये मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और 10 से 5 मिनट तक इसको हम पकने देंगे अच्छे तेज आंच पर। अभी हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। अब ये दाल हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। अब हमने पानी 1/2 गिलास डाल दिया। अब इसको हम 10 से 15 मिनट पकने देंगे। अब ये हमारी दाल को 10 मिनट हो चुकी हैं। अब हमारी दाल पक के गाढ़ी गाढ़ी तैयार है। अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।